प्राचीन भारत की एक परंपरा थी जिसके अंतर्गत हिंदू परिवारों की पहली रोटी गाय माता के लिए रखी जाती थी, जबकि आखिरी रोटी श्वान के लिए। जैसे जैसे भारत बदला, आधुनिकता भारतीयों के जीवन में आई, उन्होंने खासकर विदेशी श्वानों को पालना शुरू कर दिया। जिस तरह से किसी भी घर में उसकी चाय की टेबल पर अथवा डाइनिंग टेबल पर अथवा बैठक कक्ष में कोई भी अखबार आवश्यक रूप से होता है, क्योंकि वो स्टेटस सिंबल भी होता है, वैसा ही आजकल इंदौर जैसे शहर में भी बहुत से घरों में विदेशी नस्ल के श्वान हैं। मैं यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ मोहन बाबा की, जो कि बाल विनय मंदिर के समीप नए रेलवे स्टेशन के गेट के पास शिव साई मंदिर का संचालन करते हैं। वे शिव भक्त हैं, साईं बाबा के भक्त भी हैं, और उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि गृहस्थ होने के बाद भी, दो बालक और दो बालिकाओं के पिता होने के बाद भी, वे कोई 5 श्वानों को अपने हाथ से पोती गई नारंगी साइकिल पर बैठाकर पूरे शहर में भ्रमण करते हैं। खास बात यह है कि जब मोहन बाबा को गर्मी लगती है तो वे प्राकृतिक मेहंदी अपने बालों में, अपनी दाढ़ी में लगाते हैं। आप उनका श्वान प्रेम कैसे मापेंगे, इसका मैं सबसे सरल उदाहरण देता हूँ। वे सफ़ेद बालों वाले श्वानों के शरीर पर भी हर्बल मेहंदी लगाते हैं। उनका एक नियमित कर्तव्य है, नियमित दिनचर्या है कि वे सुबह सभी 5 श्वान को लेकर एक को पीछे बिठाते हैं, बाकी 2 को दाहिने और हैंडल पर जंजीर से बांधते हैं और बाकी 2 को बाईं ओर। वे अक्सर मालवा मिल, पाटनीपुरा, यशवंत निवास रोड, परदेसीपुरा और राजकुमार ब्रिज की ओर जाते दिखाई देते हैं। सहसा उन पर लोगों की नज़रें पड़ती हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि ये श्वान प्रेम है या पागलपन, तो वे कहते हैं मालिक की देन है ये पशु भी, और दुनिया में यदि आपको किसी से वफा की उम्मीद है तो इन्हीं से करना चाहिए। मैं गौरीशंकर दुबे आज जब मालवा मिल क्षेत्र से गुजर रहा था तो मुझे बाबा के दर्शन हुए। ग्लोबल वेब टीवी के लिए मेरी यह खास रिपोर्ट। मेरा मोहन बाबा शिव साई मंदिर हाईलैंड इंदौर रेलवे स्टेशन। अच्छा मोहन बाबा, हाँ शिव साई मंदिर, हाँ शादीशुदा आप? हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा मोहन बाबा। मोहन बाबा, पत्नी का नाम? सरोज। सरोज मैडम, और बच्चों के नाम क्या है? एक का आकाश है, एक का मीर है, आकाश एक का पूजा है। अच्छा, एक लड़की शांत हो गई। अच्छा, क्या करते हैं बच्चे? बच्चे क्या करते हैं? बच्चा एक कार चलाता है। अच्छा, एक लड़की की शादी हो गई। अच्छा, जैसे आपने अभी मेहंदी लगा रखी बालों में, ये आपके प्रिय श्वानों को भी आपने लगा रखी है, तो इसके पीछे वजह क्या है? इसके वजह है गर्मी का कारण। अच्छा, इससे ठंडी रहती है। ठंड में भी लगाते हो? हाँ। अच्छा, इससे ठंडी रहती है, इनको गर्मी ज्यादा रहती है। अच्छा, कितनी हर्बल मेहंदी लग जाती है एक श्वान पे? ये इनको कम से कम 500 रुपए की लग जाती है मेहंदी एक महीने में। आपकी कमाई का क्या साधन है? कमाई का साधन क्या? हमारा दूध का धंधा था। अच्छा, हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं। कितने साल के हो आप? हमारी 72 साल की उम्र। 72 के हो गए? हाँ। एक दिन में कितना पैदल चल लेते हो? एक दिन में हम तो कहाँ पैदल चलते हैं, राजवाड़े जाते हैं, भूल लेने। अच्छा, हाँ बस। इनको सवारी करवाते हैं जैसे आप? घूमना फिरना। अच्छा, क्या खाते हैं ये लोग? ये दाल बाटी खाते हैं। दाल बाटी रोटी शक्कर डालते हैं उनमें दाल में। हाँ, गुजराती दाल बना। टमाटर वगैरह नहीं खाते? टमाटर खाते हैं। और क्या खाते हैं? ब्रेड ब्रेड सब खा लेते हैं, दूध सब पी लेते हैं। कितने हैं आपके पास? ये हमारे घर में 8 है। कौन सी प्रजाति है ये? पोमेलियन। पोमेलियन। अच्छा, ये एक कितने का है? एक कितने का लाए? हम तो कोई नहीं ले आए भी, अगर कोई देगा आपको? हाँ, ये तो इसमें तो किसी को नहीं ले गया। कितने नर है, कितनी मादा है? कितने नर कितने? ये दो है मादी और 3 नर है। अच्छा, 5 है। अच्छा, तो बीमार होते हैं ये? बीमार अस्पताल पास नहीं हमारे। ले आते हो? ले आते ना। अच्छा, एक महीने में कितना खर्चा आ जाता है इनका? इनका कम से कम इनका खर्चा आ जाता है अगर 10,000 रुपये। 10,000 रुपये आ जाता है। और क्या धंधा करते थे आप पहले?
पहले हमारा दूध का धंधा था। हमेशा से इसी रेस में रहते हो आप, यही कपड़े में? हाँ। कितने साल हो गए पहनते हुए? ये 40 साल हो गए हमको। अच्छा, इनको आपको ये घुमा के पाल के क्या सुख मिलता है? अरे हमारे घर तो भैंसे भी थे, 70 भैंसे थी। नहीं, इनको इनको पाल के क्या सुख मिलता है? 150-200 गाय थी हमारे घर पूरी इंदौर में घूमती थी। अच्छा, नहीं इनको पाल के क्या सुख मिलता है आपको? क्या सुख मिलता है इनको पाल के? ये शौक ही तो है और क्या है ऐसा। जात समाज में ऐसा नहीं बोलते, सिर फिर हो गया बाबा? नहीं 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 नहीं, रिश्तेदारी होगी बच्चों की? हाँ, कोई दिक्कत नहीं? नहीं नहीं कोई दिक्कत। कौन समाज हो आप? पाल समाज है। पाल समाज? हाँ। अच्छा, हमारा मंदिर है जिनसी में। ये फलसफा क्या है मतलब? ये आप इनको नारंगी साइकिल है आपकी, आपने लाल बाल रंग, ये भगवान का सब दिया हुआ है और क्या है ऐसा? हाँ, मंदिर में ही रहते हैं ये। अच्छा, इंदौर के बाहर जाते हो कभी? इंदौर का ओंकार जी और जैन। अच्छा, इनको भी ले आते हैं? इनको हरिद्वार भी घुमा लाया ऐसा? सबसे लंबी साइकिल यात्रा कहाँ की आपने? सबसे लंबी ओंकार जी और बेड़िया तक गया था मैं। अच्छा, कब ये कितने साल से पाल रहे हो आप इन लोग? इनको कम से कम 15-20 साल हो गए। 20 साल, ठीक है।